भर दिया, हम बोले थे यार। ये देखिए, ये चला अपने गंतव्य स्थान पर। देखिए ये, अरे इधर ही आएगा ये। हाँ देखिए, मखाना में किस प्रकार से स्प्रे किया जा रहा है। नया टेक्नोलॉजी है, इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। यह मशीन जो है, ये मशीन को बस यही समझिए कि टेक्नोलॉजी के साथ किसान का उड़ान है, और इसको समझना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम और आप बदलते हैं तो हमारा जो भी खेती करने का जो नियम है, कायदा है, वो भी बदलता है। और अगर इस टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको धन का भी लाभ होगा, और जो मजदूरी है वो भी कम लगेगा, क्योंकि अक्सर आप देख रहे हैं, खास करके हमारे क्षेत्र में मजदूरों का बहुत किल्लत है, मजदूरी करने वाले लोग अब पहले जैसे नहीं है। तो हमको आपको चाहिए कि इसका कोई विकल्प ढूंढा जाए, और देखिए यह भी एक विकल्प हो सकता है। आप इसको देखिए और इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। खुद बता दो, 10 लीटर का टंकी है। नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह अभी फिलहाल कोढ़ा के बिशनपुर पंचायत में मौजूद है, और आप हमारे हाथ में है दवाई का बोतल, देख लीजिए। ये दवाई कोनो आदमी का खाने उने का नहीं है। यह दवाई जो है ना, यूरिया के बदले इस्तेमाल करने के लिए एनजीओ ग्रुप तत्पर है। देख लीजिए कि ये मशीन जो देख रहे हैं ना, हाई कहेंगे कि तनी बढ़िया से दिखाइए ये मशीन को। ये मशीन जो है अब आपके खेत में स्प्रे करेगा, इस टाइप के जितने भी लिक्विड फॉर्म में जो स्प्रे किया जाता है किसान लोग जो अपने फसल में करते हैं, उसी को यह स्प्रे किया जाएगा। इसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर एनजीओ ग्रुप आया हुआ है, देख लीजिए कि किस प्रकार से इसको किया जा रहा है। लेकिन एक चीज है कि जो आप यूरिया के लिए मर रहे हैं, कतारवत खड़ा रहते हैं, यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हम इसकी गारंटी नहीं देते हैं, और ना हमारा चैनल कहता है कि इसको कीजिए। लेकिन एक चीज है कि अगर साइंस के साथ हम लोग डेवलप करेंगे तो हमारा किसानी भी अच्छा हो सकता है। याद कीजिए कि अभी जो पिछले समय का जो सीजन था, उसमें यूरिया के लिए कितना किल्लत था, मारामारी था, 200 का चीज 1000-2000 में खरीद रहे थे। अगर यह चीज का इस्तेमाल किया जाए तो हो सके कि हम लोग को एक अच्छा रास्ता दिखेगा किसानी करने में। फिलहाल जो जो प्रक्रिया है हम आपको दिखाई दे रहे हैं, और इससे जुड़ने का जो भी प्रोसेस है वो भी हम आपको बताएंगे। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और एक चीज है कि साइंस के साथ हम लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। ये जो टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में जो भी चीज है हम यहाँ आपको बताएंगे। फिलहाल आप देखिए कि किस प्रकार से इसको यूज किया जाता है, और खेतों में इससे स्प्रे किया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि इस मशीन में कितना पानी इसमें लगेगा? इसमें दो वेरिएंट आता है, एक 10 लीटर का और एक 16 लीटर का। तो ये कितने वाला? 10 लीटर। 10 लीटर पानी में कितना ये इफको का ये जो है नैनो, कितना इस्तेमाल करना है? 10 लीटर पानी में ये आपको करीब 100 ml के आसपास इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो ये जो आप बता रहे थे, कैसे क्या प्रोसेस है इस मशीन से स्प्रे किसान किस प्रकार से करवाएंगे? इस मशीन से हमारा यहाँ एक बुकिंग हेल्पलाइन नंबर होगा, क्योंकि उस पे किसान जो है आम कोई भी एग्रीकल्चरल टूल्स के जैसे ड्रोन्स का भी सेवा जो है एक फोन पे बुक करके वो अपने घर पे मंगवा सकते हैं। इसके चार्जेस कितने हैं? इसके चार्जेस हम लोग जो है 24 रूपए इकट्ठा रखे हैं, और एकड़ पे 720 रूपए एकड़। अच्छा, तो इसमें कोई प्रक्रिया में अभी जुड़ने के लिए क्या क्या नियम है, क्या क्या आपका प्रोसेस? इसके लिए हमारा एक कार्ड बनता है, जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है, जिसके माध्यम से वो हमारे मेंबर बनते हैं, और इस सुविधा को लाभ उठाने के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। एक कट्ठा वाला किसान भी आपसे जुड़ सकता है? एक कट्ठा वाला किसान भी जुड़ सकता है, और बड़े से बड़ा किसान भी हमारे साथ जुड़। ऐसा तो नहीं है कि एक कट्ठा करवाने के लिए आप फिर आप कहेंगे नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हम लोग हर पंचायत, हर ब्लॉक में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक फार्मर क्लब टाइप का गठन कर रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन का यही उद्देश्य ही है कि एक क्लस्टर फॉर्म में वो डेवलप हो, ताकि एक। अच्छा, इससे फायदा किसानों को क्या होने वाला है? फायदा किसानों को ये होगा, इनसे इससे उनका समय, उनका धन और उनका मजदूर
ये तीनों चीज का उनको भारी उनकी। अच्छा, ये जो यूरिया है जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं, ये नैनो यूरिया है, क्या ये यूरिया जो ग्रैनुअल्स यूरिया है उसके मुताबिक उतना काम फायदेमंद है? जी जी, बिल्कुल ही फायदेमंद है, जब बल्कि उससे ज्यादा ही फायदेमंद है, क्योंकि इसका स्प्रे होता है और नैनो यूरिया या किसी भी जो वाटर स्प्रेइंग केमिकल्स हैं, जिस भी फसल का पत्ता थोड़ा चौड़ा होगा ठीक है, उस फसल पे ये नैनो यूरिया बेहतर से बेहतर रिजल्ट आपको। ये नैनो यूरिया कितना प्राइस का है? जो ये 240 रुपए का बॉटल, ये 240 रुपए में कितना खेत में यूज किया जा सकता है? ये 240 रुपए में आप इसको 2 एकड़ खेत जो है आप कर सकते हैं। और वो ग्रैनुअल्स कितना यूज होता है? ग्रैनुअल्स भी वो तो रिकमेंड करने के ऊपर है, 4-5 हाँ लोग डाल ही देता है उसको।